ये काम करते हुए इन्होंने मुझे डिस्टर्ब किया। इनका नाम है मोहम्मद अकरम और ये भी GTR के फैन हैं बहुत बड़े, और ये आ गए ना काम करने देने। काम मैंने कंप्लीट कर लिया, आप लोगों को दिखाता हूँ। आज का जो व्लॉग है वो अगेन 350Z के बारे में है, और हम इस 350Z में हमने क्या क्या चीज़ें लगाई हैं और कौन सा थोड़ा सा सामान जो अभी मैंने रिसेंटली, मेरा अभी दो दिन पहले आया है। Look at the wheel. Yep. The beautiful wheel from Sparco. असल में मेरा दोस्त आया है अभी दुबई से, आज सुननी पड़ेगी क्योंकि मैंने जो सामान बोला था वो सारा लेकर आया है। और इनका नाम है मोहम्मद गजनफर, इनका शॉर्ट नेम मैं आपको पहले भी एक व्लॉग में बता चुका हूँ MG। ज़रा जल्दी में ये पैदा हुए थे असल में। Assalamualaikum and welcome back to the channel. आप लोग देख रहे हैं हमारे पीछे बहुत मैसअप अराउंड हुआ है सारा, और जितने हमारे चीजें हैं वो भी हमारी फैली हुई हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बिहाइंड द सीन्स, ये चल रहा है। तो ये इधर है अब्दुल रफी, इधर है हमारे फ्रेडी, इधर है असद, और ये सारे जो है पूरा कमरा इन्होंने मैसअप किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं ये। और कहीं पे हम लोग बैटरी चार्ज कर रहे हैं, कहीं पे ट्राइपॉड सेट कर रहे हैं, कहीं पे स्क्रीन देख रहे हैं, कहीं पे लाइट सेट कर रहे हैं, कहीं पे सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, कहीं पे ये माइक सिस्टम सही हो रहा है, कहीं पे लाइट का टेम्परेचर सही करने के लिए रिमोट है, कहीं पे गिम्बल हमारे हाथ में है फोकस करने के लिए या डिफोकस करने के लिए। अभी चीजें ऐसी हैं कि ये सब मैसअप हुई है, और हम इंशाल्लाह आप लोगों को गैरेज टूर कराते हैं। तो आए चलते हैं गैरेज टूर पे। तो गाइस जैसे कि आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं गैरेज के अंदर हूँ और हमने ड्रिफ्ट बिल्ड स्टार्ट किया हुआ है, और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि ई ब्रेक लगा रहा हूँ। जो मैंने हाइड्रो ई ब्रेक ली थी चेज बे हनीगन, चेज बे और हनीगन का जॉइंट वेंचर था ये, जो मैंने चेज बे से हाइड्रोलिक ब्रेक मंगाई। सब कुछ खोल के हमने रखा है, यहाँ मैंने ड्रिल मशीन से होल भी किया है और ये पूरा पैनल निकाला है। ये मैंने अभी इसको ड्रिल करके इस पर जो है इसका ये ब्रैकेट माउंट किया है, ये देखें। और अगर मैं दिखाऊँ ये इस तरह से मैंने ये यहाँ पे इसको सुराख करके फिट किया है, और ये एक सुराख मैंने अभी एक एक्स्ट्रा सुराख किया है जो कि इसमें नहीं था, ये वाला किया है ताकि मैं इसको और इसकी मजबूती बढ़ा सकूं, और इस प्लेट को भी लगा के ई ब्रेक लगा सकूं ताकि मैं आगे इसको देखूं कि किस तरह से ये वर्क करता है। और अभी हम इंशाल्लाह क्योंकि प्लेट वगैरह इस पर लगाते हैं, देखते हैं किस तरह से हमारा ई ब्रेक बिल्कुल परफेक्ट आता है या इसमें कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी। जो भी होगा हम लोग आप लोगों को अपडेट रखेंगे कि जो जो काम हम कर रहे हैं और वो कैसे हो रहे हैं, किस तरह नहीं हो रहा, उसमें क्या हमें आसानी और क्या पेचीदगियाँ आ रही हैं वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। तो अभी आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। Do what I've done completely out of luck this time. I'm stuck in reverse. I gotta get away now, but.
myself hoping that you'll find your way back to me. 'Cause I've been stone cold since you left me here. So come home, why won't you reappear? Things that I said came out totally wrong. Can't speak of the... So guys, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि हम लोगों की ई ब्रेक लग चुकी है. हमने इसको इस ये माउंट प्लेट साथ ही आई थी इसकी, जब मैंने ऑर्डर किया था सारा सामान. ये ई ब्रेक है, इसके साथ एक रिजर्वायर इधर लगता है जिसमें कि ऑयल होता है, और उसको भी हम यहाँ पे उसकी जगह बनाएंगे अभी, और हो सकता है उसके लिए मुझे ये प्लेट तोड़ काटनी पड़े. और अभी हमने जितनी भी यहाँ से कटिंग की है, इवन के सुराख किए हैं, वो बिल्कुल अपने इक्विपमेंट्स के साथ किए हैं. अभी अगर आप इसको देखो, मैं हिला के दिखाऊँ आपको इसको फुल, तो ये बिल्कुल अब नहीं हिल रहा, ये बिल्कुल सॉलिड लग गया है. और गियर में भी मुझे लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ड्रिफ्टिंग के हिसाब से. सो फाइनली मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि अब ये देखें, ये हमारी ई ब्रेक परफेक्ट पोजिशन में है और बिल्कुल सही वर्क कर रही है. और ये मैंने आज इंस्टॉल कर लिया. इसका बाकी का काम जो है वो मैं पीछे टायर्स खोलूँगा, गाड़ी को लिफ्ट पे चढ़ाऊँगा, और इसमें अब मैं इसकी लाइंस पे काम करूँगा, और इसमें मैं ये वाली इसकी हैंड ब्रेक भी रिमूव कर दूँगा. उसके बाद जब ये बिल्कुल सही वर्क करेगी तो मैं इसके लिए एक टेस्ट ड्राइव पर जाऊँगा, और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि फिर मैं इस पर काम करूँगा इसके कि इसको डैश को किस तरह ठीक किया जाए. और पोजीशन ये है कि मैं इस हैंड ब्रेक को रिमूव करने लगाऊँ, इसके नट्स खोलूँगा, और जितना भी इसका ये ब्रैकेट ये बाकी भी जो नट हैं ये खोल के मैं इस पूरे पोर्शन को निकालने लगा हूँ. और हो सकता है मैं इसको भी निकाल दूँ, बिकॉज़ ये जो है मुझे लगता है कि ये एयर बैग का है, और एयर बैग तो इसमें ऑलरेडी रिमूव हो चुका है, क्योंकि मैंने आफ्टर मार्केट स्टेयरिंग की वजह से. तो देखते हैं अभी इसको निकाल के ये कितना टाइम लगता है. तो गाइज मैंने ये जो है नट इसके सारे लूज कर दिए, और अब मैं ये सारे निकालने लगा हूँ एक एक करके. सो ये गाइस फाइनली ये निकल गई, इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी. अब मैंने क्या करना है, ये फ्यूल मेरे पास ये जितनी भी इस तरह की ब्रेक लाइंस हैं वो मैंने अभी क्या करना है कि ये जो इसका मास्टर सिलेंडर है इसके साथ अटैच करके यहाँ से, और इधर अभी इसका रिजर्वायर भी लगेगा, ये रिजर्वायर भी मुझे लगाना है. इसकी जगह शायद अंदर ना बने तो मैं इसको यहाँ कहीं फिक्स करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इसमें हमें ऑयल चेक करना होता है. तो उसके साथ साथ मैं यहाँ से जितनी भी वायर्स लगाऊँगा इस तरह की वायर्स, वो बेसिकली इधर से मैं इसको यहाँ से जहाँ से हैंड ब्रेक का ये लीवर जिसे हम खींचते हैं यहाँ से मैं इसको लगा के इधर से अंदर कर दूँगा, और फिर उसके बाद मैं नीचे से इसको माउंट करूँगा. तो गाइज़ ये जो रिजर्वायर यहाँ मैंने लगाना है तो उसकी वजह से ये टेप रिकॉर्डर की वजह से वो लग नहीं रहा, तो अब मुझे ये वाला इसका पैनल निकालना पड़ेगा. और मैं ये पेचकश से जो है, इसके दो ही नट होते हैं, बाकी ये क्लिप ऑन होता है. दो मिनट की भी बात, बल्कि दो सेकंड की बात है ये. इसके क्लिप्स निकालने पड़ेंगे खाली, टेप रिकॉर्डर के जो लगे होंगे, बाकी तो ये दो सेकंड में बाहर, ये यहाँ से ये बाहर आ जाता है. मेरा ख्याल अभी नेविगेशन भी है इसमें लगा हुआ, ये पैनल आ गया हाथ में, और नीचे भी इसमें लगा हुआ ये. इसको उठाए यहाँ से. तो गाइस ये अभी इसकी पोजीशन है, और यहाँ पे टेप रिकॉर्डर तंग कर रहा था, रिजर्वायर बॉटल नहीं आ रही थी. रिजर्वायर बॉटल बेसिकली ये ऐसे लगनी है, ये ऐसे, तो उसकी जगह मैंने बनाई है अभी ये. गाइस यहाँ से मुझे टेप रिकॉर्डर निकालना पड़े, तो ये इसकी रिजर्वायर की जगह बनी है. इसका कैप ऊपर से खोल के ऑयल चेक करना होता है, और ये मुझे इसके लिए अभी ये कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि यहाँ मैं फ़िलहाल कोई भी स्टीरियो सिस्टम मल्टीमीडिया सिस्टम नहीं लगा सकता. तो अभी फ़िलहाल ये है कि मैं रैचेट यूज़ कर रहा हूँ, ये फुल टाइट हो गया, अभी अपनी जगह पर हिलेगा नहीं. और बस अब हम ऑयल का वेट करें, ऑयल आ रहा है. ऑयल मैं इसमें जो है वो अभी डालूंगा, और इसको चेक करेंगे ऑयल आने के बाद. ये जितना ये इसमें अभी प्ले है ये ख़त्म हो जाएगा, और आज हम इसको रेडी कर देंगे इंशाल्लाह. तो गाइस ये मैंने अभी बाहर से सस्ता सा ऑयल मंगवाया है ब्रेक ऑयल से, ब्रेक लाइंस चेक करने के लिए. हमारे पास जो अमेरिका से आया हुआ है, लेकिन वो मैं उसी वक्त डालूंगा जब ये एक दफ़ा ब्रेक लाइंस ओके होंगी. ये अभी मुझे वैसे भी ये डाल के चेक करना है, और उसके बाद मैं इसको वापस ड्रेन कर दूँगा. तो अभी ये 600 रुपये की बॉटल है, बहुत ईजीली अवेलेबल है, और मेरा ख्याल है बाइक्स में भी यही डल जाता है, और ये गाड़ियों में बाइक्स में, और लेकिन है ये 600 रुपये में, लेकिन है सुना है बेस्ट ऑयल है,
मैं तो फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ ये। गाइस इसको मैं पंप करके देख रहा हूँ, ये ऑयल ऐसा ऐसा अगर आप देखोगे तो ये नीचे हो रहा है, ऑयल कम हो रहा है, बिकॉज ये ऑयल यहाँ से इसकी लाइंस में जा रहा है, ये जो इसकी लाइंस हमने यहाँ पे लगाई हैं लाइंस में जा रहा है, और उसके बाद ये कैलिपर्स तक जाएगा, और ये बिल्कुल अभी यहाँ से ऑलमोस्ट बॉटल खाली हो रही है, ये मुझे रीफिल करनी पड़ेगी। फ्लूड मैंने फुल कर दिया और अब देखें ये इससे ज़्यादा पंप नहीं हो रहा, और ये यहाँ पे आके लॉक हो गई है ऑल, इसका मतलब है ऑल डन। और अब हम इसका बॉटल कैप वापस से लगाएंगे, ये बॉटल कैप है, हम इसको बंद कर देते हैं और यहाँ से इसको चेक करना इजी है, मुश्किल नहीं है। ये काम करते हुए इन्होंने मुझे डिस्टर्ब किया, इनका नाम है मोहम्मद अकरम और ये भी GTR के फैन हैं बहुत बड़े, और ये आ गए ना काम करने देने, काम मैंने कंप्लीट कर लिया, आप लोगों को दिखाता हूँ। ये हमने जो है ये लाइन इसकी, ये जो मैंने अभी हाइड्रोलिक ब्रेक से लगाई है इसको हमने फिट कर दिया इसकी पुरानी फिटिंग्स पे, ये जो जहाँ पे इसकी हैंड ब्रेक की लाइन्स आती हैं, फिलहाल हमने इस पर माउंट करके ये यहाँ से टाई क्लिप लगा के इनको फाइनल कर दिया। यहाँ से ये आ रही है एक लाइन, ये निकल रही है, ये इधर ये जा रही है कैलिपर के अंदर ये, और अब एक जो है वो इस तरफ जा रही है। सर हटा लो अपना भाईजान। खैर हमने यहाँ से ये लाइन आ रही है इसको भी यहाँ माउंट कर दिया, बस हमने इसको गाड़ी को नीचे उतारना है, इसमें ऑयल इसका ब्रेक ऑयल डालना है और पंप करके चेक करना है कि सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम हमारी गाड़ी को नीचे करते हैं, गाड़ी नीचे की जाए सिम से। फाइनली हमने गाड़ी स्टार्ट कर ली है, अभी उसको फर्स्ट गियर में डाल के और रोटर को घुमाएंगे और उसके बाद हाइड्रोलिक ब्रेक लगा के देखेंगे कैसे चलता है। अच्छा ब्रेक दबाओ, ब्रेक हाइड्रोलिक नहीं दबाओ, ब्रेक से खाली। हाँ सही है, तो ये अब देखिए बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहे हैं और आज के लिए हमारा जॉब डन हो गया, और तकरीबन ऑलमोस्ट पूरा वीक हो गया ये काम करते हुए मुझे, और इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और बहुत दफ़ा मैंने चीज़ें खोली हैं और दोबारा बंद की हैं, मेरा ख्याल है कोई तीन चार चार दफ़ा मुझे खोल के बंद करना पड़ा, लेकिन हर दफ़ा मुझे ये काम में समझ आया कि कोई ना कोई कमी रह जाती थी। और खैर बहरहाल एक हफ्ता गुजारने के बाद ड्यूल कैलिपर किट लगाई है फर्स्ट टाइम, ऑयल लाइंस ये वो ईच एंड एवरीथिंग, अब हमने ऑलमोस्ट टेम्परेरी इसको बंद कर दिया है, इसको मैं फाइनली क्लोज करूँगा चीज़ों को, लेकिन मुझे उसके बाद अभी और चीज़ों पे काम करना है, अभी इसकी एक टेस्ट ड्राइव लूँगा और उसके बाद इसको बंद करूँगा। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग्स, अब हम आगे जो है इंशाल्लाह इसके बाद मेरा प्रोग्राम ये है कि हम इसका सस्पेंशन का काम स्टार्ट करेंगे और स्किड पैड का एक चक्कर भी लगाने का सोच रहे हैं, तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग, तो देखें जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और टिल देन गुड बाय।